दोस्तों, भारत अमेरिका से 30 की संख्या में MQ-9 रीपर, जिनको हम प्रीडेटर ड्रोन के नाम से जानते हैं, भारत अमेरिका से इन प्रीडेटर ड्रोन को खरीदना चाहता है, जिनको लेकर भारत की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम इन 30 ड्रोन में से 10 ड्रोन तो अपनी वायुसेना को देंगे, 10 ड्रोन अपनी थल सेना को देंगे और 10 ड्रोन अपनी नौसेना को देंगे। और जैसे जैसे ये डील लेट होती जा रही है, ऐसे ऐसे ही अमेरिका अपने ड्रोनों की कीमत को बढ़ाता जा रहा है। जब भारत की तरफ से शुरू में ये प्लान किया गया था कि हम अमेरिका से 30 की संख्या में प्रीडेटर ड्रोन लेंगे, तो उस समय हमें एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत 350 करोड़ पड़ने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे ये डील लेट होती जा रही है, ऐसे ऐसे ही अमेरिका इस ड्रोनों की कीमत को बढ़ाता जा रहा है और आज हमें एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत 850 करोड़ पड़ेगी। इस बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम 18 की संख्या में अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन लेंगे और इन 18 ड्रोन में से 6 ड्रोन तो हमारी वायुसेना को दिए जाएंगे, 6 ड्रोन थल सेना को दिए जाएंगे और 6 ड्रोन हमारी नौसेना को दिए जाएंगे। जिससे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि भारत हैवी कैटेगरी के ड्रोनों को लेने में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इन ड्रोनों से ज्यादा इफेक्टिव फिलहाल कामिकाजी ड्रोन है। हैवी कैटेगरी के ड्रोनों को पहचान अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में मिली थी, जब अजरबैजान की कमजोर सेना ने अर्मेनिया की शक्तिशाली सेना को कुछ ही ड्रोनों की मदद से घुटनों पर ला दिया था। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध में हम देख ही चुके हैं कि पहले तो यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन से रशिया को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब से रशिया ने अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया है, जबी से ही यूक्रेन का एक भी ड्रोन रशिया के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे अब ये बात साबित हो जाती है कि अब भारत कामिकाजी ड्रोनों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी लगातार तुर्की से एकेंसी ड्रोन और TB2 ड्रोन खरीद रहे हैं और इन ड्रोनों को जवाब देने के लिए भारत की प्राइवेट कंपनियां भी बहुत ही ज्यादा तेजी से स्वान ड्रोनों को डेवलप कर चुकी हैं, जिनको अब हमारी सेनाओं ने खरीदना भी शुरू कर दिया है। और अगर फ्यूचर में प्रीडेटर ड्रोन की डील ऐसे ही लेट होती जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि या तो अमेरिका की तरफ से इन ड्रोनों की कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है, या भारत की तरफ से 18 की जगह पर 10 से 12 ड्रोनों को खरीदने का फैसला लिया गया है। और आपके लिए आज का सवाल, क्या भारत को भारी संख्या में लोइटरिंग एमिनेशन को सेना में शामिल करना चाहिए या फिर अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।